छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के लिए मतदान पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। जनता ने तमाम उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में कैद कर दी है। अब आम लोगों के साथ साथ तमाम सियासी निगाहें आने वाले 24 दिसंबर पर टिक चुकी हैं, क्योंकि 24 दिसंबर को ही यह तय होगा कि किसमें कितना है दम। आम लोगों की उम्मीदों पर कौन उतरेगा खरा, किसके दावे किसके वादों पर पड़ेंगे भारी, क्या कुछ बदलने की उम्मीद है इस बार नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से, और किसके सिर पर सजेगा जीत का सहरा। आज की इस चर्चा में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, ये देख लीजिए आप। संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव, मत पेटियों में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत, 24 दिसंबर को होगा भाग्य और भविष्य का फैसला, जनता किसके सिर सजाएगी जीत का सेहरा। लंबी सियासी जद्दोजहद, तमाम वार पलटवार और कई दिनों की सियासी रस्साकशी के बाद आखिरकार नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गए। मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर मुहर लगाने के बाद तमाम प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद कर दी है। आने वाले 24 दिसंबर को जब ये मतपेटियां खुलेंगी तो ये तय होगा कि जनता जनार्दन ने किसे अपना सिरमौर चुना है। राजनीतिक अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ा है और जनता को लुभाने में कौन कितना कामयाब हुआ है। गौरतलब है कि ये चुनाव सभी दलों के लिए साख का सवाल बने हुए हैं। यही वजह है कि किसी भी दल ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार और बूथ मैनेजमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि बीते एक साल में प्रदेश में कांग्रेस ने कितना काम किया है, नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे इस बात का फैसला कर देंगे। तो सरकार ने अच्छा काम किया, लोग बाग प्रसन्न हैं, खुश हैं। दूसरा, कैंडिडेट का सिलेक्शन हमारा अच्छा रहा, बेहतर रहा। चुनाव प्रचार एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छी तरह से हुआ और जनसंपर्क लोगों ने किया, कैंडिडेट्स ने किया, सीनियर लीडर्स का कार्य विभाजन कर दिया, जगह जगह उन्होंने समय दिया, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास भी कंपटीशन में नजर नहीं आई। कांग्रेस पार्टी सब जगह कांग्रेस पार्टी नजर। वहीं जीत का दावा ठोकने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बीते एक साल में जनता कांग्रेस से त्रस्त आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है, और इस बदलाव की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से होगी। कांग्रेस के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त पूरे प्रदेश में है, खास करके अपने जो किए हुए वायदे और जिस प्रकार से सरकार मुकर गई, एक झटके में उन्होंने कहा कि हमने वायदे पूरे कर दिए, और आज किसान जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में परेशान है अपने धान बेचने को लेकर के, 15 साल में जो परेशानी हुई आज किसानों को एहसास हो गया कि कैसी सरकार चल रही है। उधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। JCCJ का दावा है कि इस बार जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को अच्छा सबक सिखाएगी। प्रदेश में अभी 3 रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी और जकांच, और उसके अलावा जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय भी जीत के आते हैं, तो उनमें भी ऐसे लोग हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं, और अब तो उनका भाग्य पेटी में बंद हो चुका है और 24 तारीख को पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। गौरतलब है कि इस बार का नगरीय निकाय चुनाव कई मायनों में खास रहा है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या फिर JCCJ, सभी दलों ने चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ऐसे में देखना ये है कि जनता किस पर भरोसा करती है और किसकी झोली में जीत डालती है, और इन सब के बीच ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, क्या होगा निकाय चुनाव में जीत का आधार, क्या इस बार के नतीजे बदलेंगे इतिहास, निकाय चुनाव के नतीजों का किस दल पर क्या असर होगा, भविष्य में बरकरार रहेगी बैलेट पेपर की अहमियत। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो चलिए 66% मतदान हुआ है आंकड़ा, हालांकि बदल सकता है। तमाम मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव अनुराग पटेरिया सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल स्टूडियो से सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण साहू जी जो कि बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रायपुर से हमारे पास जुड़ेंगे। इकबाल अहमद रिजवी साहब जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। शिव अनुराग सर, मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊँ उससे पहले मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ और एक एक्सपर्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूं। जो आज चुनाव हुए हैं, 24 को हालांकि इंतजार है, सबका दिल धक-धक जरूर कर रहा होगा कि 3 दिन बाकी हैं और पता चल जाएगा कि बाजी आखिर किसने मारी है। सायरा जी, ये जो चुनाव हैं कई मायनों में बहुत डिफरेंट हैं, पिछले चुनावों की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अगर हम मतदान प्रतिशत की तुलना करें तो पिछले जो 14-15 में चुनाव हुए थे उसमें 77.68% वोट पड़े थे और अभी तक 66% वोट पड़ने की बात हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 1994 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे और अब फिर अप्रत्यक्ष चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 99 में महापौर का सीधा चुनाव होने लगा था। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार 2 महत्वपूर्ण दल आमने सामने होते, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, अब 4 दल आमने सामने हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, 4 दल हैं। इसके अलावा संख्या के आधार पर देखे जाए तो 151 निकायों में 151 निकायों में 10,068 के आसपास तक अगर देखा जाए कितना है तो 10162 कैंडिडेट मौजूद हैं और जो 2840 वार्ड्स के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के एक और तकनीकी का उपयोग हुआ है, इस बार मतदान का प्रतिशत जल्दी मालूम पड़ सके इसके लिए सारे मतदान को गूगल से लिंक किया गया था, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। प्रतिगामी कदम जरूर था कि हम ईवीएम से जाके पोस्टल बैलेट में चले गए। और अगर विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए, अब तक मेरे सामने जो जानकारी है उसमें दुर्ग संभाग में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, उसके बाद बस्तर संभाग में, और रायपुर जो पढ़े लिखे लोगों की बस्ती मानी जाती है, राजधानी है, वह मतदान प्रतिशत कम रहा है। तो कुल मिलाकर आपने दिलचस्प आंकड़े बताने की बात कही थी, दिलचस्प इस सफर को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जी ठीक है, अरुण साहू जी आपका रुख कर रही हूँ, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा जो है, कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सीधे सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि पीएल पुनिया साहब उन्होंने कहा कि जीतेंगे तो हम ही। प्रदेश में 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 130 नगर पंचायतों के 2840 पार्षद पद के लिए चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में लगभग 30 लाख मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज इस चुनाव में सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल के दौरान जो नगरों के शहरों के सुनियोजित विकास की सिलसिला प्रारंभ हुई थी वह सिलसिला पिछले 1 सालों से रुका हुआ है। आज सरकार की न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई योजना है और विकास के काम पूरी तरह से ठप हैं, अराजकता का वातावरण है। और ऐसे में आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज खुलकर मतदान किया है जी। भारी उत्साह से मतदान किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2840 पार्षदों के पदों पर जी, अधिकांश पदों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे जी। चलिए आपने तो दावा पेश कर दिया है, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी आपका क्या कहना है, क्योंकि पीएल पुनिया साहब तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम ही जीत रहे हैं, बीजेपी बहुत पीछे कहीं खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अरुण साहू दावा कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी आ रही है। दावे करने में तो कोई कुछ जाता नहीं है शायरा जी, और हमारे भाई साहब अगर दावा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 15 साल में इन्होंने जो नगर विकास की जो योजनाएं बनाई थी उसमें कितना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी कमीशन खोरी हुई है, इसका बड़ा बड़ा भारी उदाहरण तो रायपुर में देखने को मिलता है। यहाँ के स्काई वॉक जो है उसका क्या किया जाए अब तक तय नहीं हो पा रहा है।
एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया, वो बनते बनते उद्घाटन के दिन ही भसक गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो शासन किया उसका खामियाजा इनको विधानसभा में भुगतना पड़ा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले एक साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो काम किया है जी, उन कामों को देखते हुए पिछले उपचुनाव में दंतेवाड़ा में भी जनता का आशीर्वाद हमें मिला, चित्रकूट के उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिला। और इन सारी बातों को देखते हुए मैं एक बात को बिल्कुल आश्वासन के साथ कह सकता हूँ, हमारी पुनिया जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। हम 80% से अधिक सीटों पर जिस तरह से विधानसभा में सर, लेकिन किस आधार पर अगर हम इसे समझें, उससे अधिक बहुमत के साथ सर, किस आधार पर लेकिन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। जीत का आधार क्या, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टी ही स्ट्रांग, अगर ये आप सोच रहे हैं तो उसके पीछे कोई स्ट्रांग वजह भी होगी? इसका आधार ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जी नहीं, बिल्कुल स्ट्रांग वजह है, हमने अपने वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हमने 2500 रुपए में धान खरीदी किया है। किसानों की जमीनें वापस की है, नगरी क्षेत्र के तमाम जो भूमिहीन लोग हैं उनको मालिकाना हक देने का काम चालू हुआ है, पट्टा देने का काम चालू हुआ है, नजूल भूमि को बदलने का। सर, जो अभी धान खरीदी हो रही है उस पे 2500 अभी तो नहीं मिल रहा है, जो 1810 या 1835 का जो दाम है वो आप दे रहे हैं और बाकी के पैसे आप बाद में देंगे, जो कि अभी शायद पता भी नहीं है। शायरा जी, नहीं नहीं, स्मरण दिला दूं आपको, पिछले दफा भी पिछले साल हमने पहले 1750 रुपया दिया था और अंतर की राशि को बाद में दिया था। हम पर छत्तीसगढ़ की जनता यकीन करती है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान रखने वाली सरकार है। और अगर हमने कह दिया कि हम 2500 रुपया देंगे तो जनता इस बात पर विश्वास करती है। और 24 तारीख को परिणाम निकलना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसमें मैं ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कहूंगा, मगर इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ की जनता को पहली बार ऐसा लगा छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि आज हमारी सरकार है जो हमारी चिंता करती है। ये सरकार है जिसने सोना खान के उत्खनन को रोक लगाया, ये सरकार है जिसने लेमरू को, एक लेमरू अभयारण्य को सुरक्षित करने का काम किया, इसी सरकार ने किसानों को जमीन ठीक है सर करने का काम। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी, अरुण साहू को भी हमने सुन लिया। इकबाल अहमद रिजवी साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से शिव अनुराग पटेलिया सर बोल रहे थे, एक वक्त था जब दो पार्टियां आमने सामने होती थी, मजबूती से दो ही खड़ी होती थी, बाकी कुछ नजर नहीं आते थे, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आपकी पार्टी कहां खड़ी है, आप कितना दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी कहाँ खड़ी है ये तो जनता ने बता दिया कि विधानसभा चुनाव में उसने 14% वोट दिए और 5 जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आए और साथ में जो उनकी पार्टनर थी बहुजन, उनके 2 लोग जीत करके आए, तो पार्टी को रिकग्निशन मिल गया। इससे सिद्ध होता है कि आदरणीय हमारे जो विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय जोगी जी जो हैं, उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन अब मैं नगरीय निकाय चुनाव की ओर आना चाहता हूं और बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी कहां खड़ी है। आपने पूछा तो ये पार्टी इसमें सेकेंडरी हो जाती है और जो ये चुनाव है ये व्यक्तिगत होता है और जितना छोटा चुनाव होता है उतना कठिन होता है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुका हूं 1978 में, उस समय इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस आई का, तो मैं उसका प्रत्याशी था और पंजे चुनाव का मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम का चुनाव था, उसमें मैं खड़ा हुआ था और जीता था और उसके बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीता था और मैं जीत करके आया था। तो मेरे कहने का लब्बोलुबाब यही है कि छोटे चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका व्यवहार जो है वो ज्यादा काम करता है और पार्टी जो है वो सेकेंडरी होती है। हमारी पार्टी को जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि माननीय अजीत जोगी जी का जो विजन है उससे लोग प्रभावित हैं और 3 साल का उनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है उसने भी सिद्ध कर दिया है कि जोगी जी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक क्षमता में कितने चुस्त और दुरुस्त हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है ये चुनाव कौन कितने पानी में है ये इसकी
इसकी पोल खोलकर रख देगा। तीन दिन का इंतजार है केवल। शिव अनुराग सर, दोबारा आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, 16 साल बाद हम ये देख रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत कितनी बनी रहेगी? और बहुत कुछ इस बार हम देख रहे हैं, चुनाव में फेरबदल हुआ है, तो जो इतने बदलाव हैं, क्या उसका असर इस बार पार्टियों पर पड़ेगा? देखिए, पार्टियों पर पड़े ना पड़े, लेकिन मत जो गणना होगी उसमें नतीजे आने में थोड़ा सा विलंब होगा। पहले ईवीएम से जब होता था तो तत्काल 11-12 बजे तक सारी स्थितियां साफ हो जाती थी, और जब बैलेट पेपर से होता है तो बहुत से कई बार सवाल खड़े होते हैं कि वैलिड है, इनवैलिड है, या टॉर्न हो गया है, डबल इंक। सर, ईवीएम मशीनों से भी जब रिजल्ट आ रहा होता है तो बड़ा लंबा इंतजार करना होता है किसी किसी सीट पर। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, अगले दिन नतीजे आए थे सुबह के टाइम, तो उसमें भी बड़ा लंबा वक्त कहीं ना कहीं लग जाता है। सायरा जी, जहाँ कन्फ्लिक्ट जी, बिल्कुल आप बिल्कुल से आपकी मेमोरी को मैं दाद दूंगा कि आप बहुत याद रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम में बहुत जल्दी नतीजे आते, कहीं कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, कई बार पोस्टल बैलेट में जो दिक्कत होती है। एक्चुअली जो नतीजा भोपाल का विश्वास सारंग की सीट का रुका था, वो इसलिए रुक गया था कुल मिला के कि पोस्टल बैलेट में कन्फ्यूजन था, पोस्टल बैलेट को लेके सारी दिक्कतें पैदा हो रही थी। तो मुझे लगता है जब पोस्टल हो या प्रिंट पेपर हो तो उसे थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो नतीजे आपको तत्काल नहीं मिलेंगे। हो सकता है उस दिन 24 तारीख को शाम 8 बजे तक, जब तक हम आप बैठे हैं, तो उस समय तक बहुत से नतीजे आपके सामने ना हों। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन द सीक्वेंस ऑफ द विधानसभा इलेक्शन एंड द लोकसभा इलेक्शन, ये नगरी चुनाव हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव का एक अलग दृश्य था, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग दृश्य था, अब नगरी चुनाव क्या गुल खिलाते हैं। कुल मिला के मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में एक एंडोर्समेंट होगा कि वास्तव में लोग एंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके कामकाज को, क्योंकि लोकसभा से तो अभी एक है कि आप बच गए थे कि मोदी को लेकर चुनाव थे, दिल्ली को लेकर चुनाव था, 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो अब कुल मिला के पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने में अगर कांग्रेस बहुमत के साथ आगे आती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश क्षेत्रों में अगर अपना कब्जा बनाया और उनके महापौर बनते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिलेगी। यही संजीवनी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कुल मिला के दिलचस्प होंगे। दूसरा क्या है, इस बार डायरेक्ट फाइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मल्टी डायमेंशनल फाइट है। कम से कम चार कोने तो बहुत स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। स्थानीय जो नगरी चुनाव होते हैं, सायरा जी आपने देखे होंगे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो भी एक बड़े साइजेबल संख्या में आते हैं, क्योंकि मैन टू मैन कॉन्टेक्ट का मामला होता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के एक साल के कामकाज के बारे में एक रेफरेंडम में से मानूंगा कि लोग इसको कैसा देख रहे हैं, क्योंकि पार्षद अपना महापौर खुद चुनेंगे, तो इसमें क्या इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है सर? देखिए, महापौर तो क्या चुनाव अगर सीधे होते तो उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पैदा नहीं होता, क्योंकि लोग चुना करते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो नेता और नेतृत्व तो सरकार की चलती है। मैं खुद कई बार चीज़ों को बहुत करीब से देखा है कि आप अगर पार्षद कम हो रहे हैं तो उनका अपहरण करा लीजिए, उनको ब्राइब कर लीजिए, उनको अब्सेंट कर दीजिएगा। तो जो सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है, उसके पास ताकत बहुत होती है, लेकिन अब ये बदलाव वक्त है, बदलाव का चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है सीधे अगर चुनाव होते तो जन अपेक्षाओं पर खराब महापौर होता है, और वो कुल मिला के वार्ड मेंबर्स जो हैं इनके दबाव में नहीं आता है। लेकिन बदलाव है, देखिएगा, और डेमोक्रेसी की यही तो सबसे बड़ी खूबी और खसूसियत है कि आप तरह तरह के रंग देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन देखते हैं, 16 साल बाद फिर आप वापस आ जाते हैं, तो अब हो सकता है कि अगली सरकार कभी बने तो फिर वो पैसे पहुंच जाए, तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर महापौर का चुनाव होता तो ज्यादा निरपेक्ष चुनाव होता। ऐसे में आज सरकार का दखल रहेगा, बड़े लोगों का दखल रहेगा, और एक ऐसा व्यक्ति भी चुन के आ सकता है जो अपने इलाके का, यानी कि ये जो डिसीजन आएंगे, यानी कि जो जनता का आशीर्वाद होगा सर, बहुत कुछ सरप्राइज कहीं ना कहीं करेगा। अरुण साहू जी, आपके पास आ रही हूँ। ये जो लगातार इतने बदलाव हमें देखने को मिले हैं इस बार इस चुनाव में, चाहे हम मतपेटी की बात कर लें, चाहे पार्षद महापौर का चुनाव करेंगे, तो ऐसे में क्या बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा? क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि केवल आपकी ही पार्टी नहीं, कांग्रेस भी है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी सामने खड़ी है, आम आदमी पार्टी भी सामने खड़ी है। महापौर
महापौर और नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्षों का सीधे चुनाव न करा के पहले ही दौर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अब जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख करके कांग्रेस अपने महापौर और अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं अरुण साहू जी, एक मिनट बाद। सुरेंद्र शर्मा जी अरुण साहू ने जो कहा, क्या यही सच है? सुरेंद्र शर्मा जी जी, आपने सुना? देखिए, ये तो क्या है, पराजित नहीं, पराजित मानसिकता का परिचायक है ये। हम जोड़ तोड़ की करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हमारे हम जब कह रहे हैं कि अधिकांश नगर निकायों में, अधिकांश नगर निगमों में, अधिकांश नगर पालिका में और नगर पंचायतों में जी, हमारे पार्षद इतने बहुतायत में जीत करके आएंगे कि हमको किसी जोड़ तोड़ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और जब विधानसभा में मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक लोग करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्य लोग करते हैं जी, इससे एक बड़ा फायदा हुआ है शायरा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार तरह के चुनाव जब होते हैं इनडायरेक्ट वाले, तो आज की तारीख में पार्षदों के चुनाव के लिए काफ़ी मतलब शक्तिशाली प्रभावशाली लोग संलग्न हुए हैं। इससे वार्डों में काम कराने में, उसकी योजना बनाने में, उसको विकास की दिशा में सक्षम लोग, बहुत ज्यादा सक्षम लोग, यानी कि नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अरे साहू जी देखिए, मैंने उत्तर उनसे ले लिया इमीडिएटली, उन्होंने कहा कि इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं भी नहीं है। सर, अब अपनी बात पूरी करें। अरुण जी, मुझे लगता है कि जनता को खुद अपना अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना है। आज जो महापौर बनेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जनता के लिए सीधे जिम्मेदार होने के बजाय पार्षद के लिए जिम्मेदार होगा, और जनता अपने पसंद का महापौर चुनती तो ऐसा लगता कि ये चली आ रही थी परंपरा, एक स्थापित परंपरा थी कि जनता सीधे अपना नगर पालिका नगर पंचायत का अध्यक्ष और महापौर चुन रही थी जी। बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने का जो फैसला किया, इसमें नियत खराब है। उसी ईवीएम से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई। अब आज इस चुनाव में आपने बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाने का किया, ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत को दर्शाता है। और दूसरा, आपने कोई कारण नहीं है, आपने एक तरह से समय की बर्बादी की, राज्य के खजाने पर बड़ा बोझ डाला मतपत्र से चुनाव कराकर, और इस तरह से लेकिन जनता समझदार है, नगर ये नगरी निकायों का चुनाव है, जनता आपकी नीयत को समझ रही है। आपने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, जनता को छलने का काम किया, और जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और इसीलिए सुरेंद्र शर्मा जी, जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है, एक बार साहब इसके बाद में आपके पास आ रही है हुआ है, और वो कांग्रेस, सुरेंद्र शर्मा जी, जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है, खजाने का दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है, जवाब दीजिए। देखिए मैं तो हमारे भाई साहब को एक ही बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। आपने 15 साल शासन किया है भाई साहब, आपने कितना वादा निभाया है इसको छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है। आपने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ किस तरह से व्यवहार किया, इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता को पहली बार लग रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार है, पहली बार लग रहा है कि किसानों के प्रदेश में, वनवासियों के प्रदेश में हमारी सरकार है। हम अपने अरपा पैरी के गीत गा रहे हैं, हम अपने छत्तीसगढ़ ही परंपराओं। सर, इंतजार कर लेते हैं, 3 दिन बाकी हैं, 24 दिसंबर को नतीजे आ रहे हैं। इकबाल अहमद रिजवी साहब, आपने शिव अनुराग सर को सुना, आपने अरुण साहू जी को भी सुना, सुरेंद्र शर्मा जी को भी सुना, बहुत से बदलाव इस बार देखने को मिले हैं, क्या इस बार जो परिणाम आएंगे वो क्या चौंकाने वाले होंगे? वाकई देखिए, जितने भी जो रिजल्ट आते हैं ना, वो चौंकाने वाले ही होते हैं। जो भी जीतता है वो अपने आप को यह सिद्ध कर देता है कि वार्ड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जनता के बीच में हीरो वही है, और जनता उसे ही चुन करके भेजती है, चाहे वो राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, जनता उसे ही चुनती है जिसको वो चाहती है। इसीलिए छोटा चुनाव जो होता है, मैंने पहले भी कहा है
कि बहुत ही कठिन चुनाव होता है और रहा सवाल आगे चलकर के क्या होना है क्या नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना और पार्षद ही महापौर चुनेंगे, इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इकबाल साहब? उम्मीद है और उसके पहले मैं इस प्रदेश नहीं सायरा किसके ऊपर, ये देखिए चुनाव जो है ना ये चुनाव व्यक्तिगत है, इसमें चाहे वो ईवीएम से होता है या बैलेट से हो रहा है इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही है कि थोड़ा समय लगेगा मगर क्योंकि ईवीएम जो है वो काफी बदनाम हो चुकी है इसलिए ये जो बैलेट से हो रहा है चुनाव इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। और ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए हैं, इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है और खास करके पुलिस तंत्र जो है उनको सबको मैं इस तारीफ के काबिल, वो पुलिसकर्मी भी हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग के तमाम जिन्होंने वहां पर अपनी ड्यूटी निभाई है वो भी इस तारीफ के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी आपका और अरुण साहू जी आपका, शिव अनुराग सर आपका भी शुक्रिया, इकबाल अहमद रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना पड़ेगा केवल 3 दिन का इंतजार, 24 दिसंबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे।